उत्तराखंड महापरिषद से जुड़े सभी अधिकारीजन, सभी पदाधिकारी, मैं सभी को नमन करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने भव्य समारोह में मुझे बुलाया। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। हमारे बीच हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर श्री हसन इमाम जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों की कल बहुत इम्पोर्टेंट गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है राज्यपाल जी के साथ। हमारे सारे मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं। अभी जैसे मैं आ रहा था तो हसन जी मेरे को नज़र आए, उन्होंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और मैं एक विश साहब को राज की बात बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि आपकी रिक्वेस्ट पे ही सिर्फ मैं आया। एक्चुअली ये पिछली बार भी मैंने कहा था कि पहाड़ों से, स्पेशली गढ़वाल से, पूरे उत्तराखंड से और हिमाचल से मेरा लगाव बचपन से रहा है। और क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ, कलाकार भी हूँ, जो स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी बात होती है या फिर पहाड़ों से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो मैं मना नहीं कर पाता, किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मन की बात होती है, मेरी इच्छा के अनुरूप बात होती है और उसमें जो भी खुशी मिलती है उसमें शामिल होके उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं इस बात की बहुत ज़्यादा इस बार बधाई देता हूँ कि इस बार की जो मंच सज्जा है, जो बैकड्रॉप्स हैं, पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे ये देख के बीइंग एन आर्टिस्ट बहुत खुशी हुई। वो मैं आते ही बैकड्रॉप देख रहा था, नीचे भी जो है जो डेकोरेशन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और जिन्होंने किया है उनको भी मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लोक कलाओं को उत्साहित करता रहता है, उनके संवर्धन के लिए कोशिश करता रहता है हर कदम की, कुछ ना कुछ लोक कलाकारों के लिए, लोक कलाओं के लिए किया जाए, तो इसमें कुछ भी खास योगदान हमने नहीं किया। ये हमारे कर्तव्यों का एक पार्ट है, हमारी ड्यूटीज़ का एक पार्ट है, जो हम बल्कि प्रॉमिस मैंने ज़्यादा टीमों का किया था, किसी कारणवश हम ज़्यादा टीमें नहीं भेज पाए, लेकिन कोशिश ये ज़रूर थी। अभी जिनका डांस आपने देखा, ये हमारे प्रयागराज की सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे अच्छी टीम मैं कह सकता हूँ लोक कला के क्षेत्र में, सोनाली चक्रवर्ती की। तो क्योंकि ये कम से कम 14-15 दिन बाहर ही थी इलाहाबाद से, इधर उधर पूरा भ्रमण कर रही थी, शायद एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला, तो हमने इन्हीं को बोला कि नहीं आपको उत्तराखंड में जाना है, तो हमारी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हाँ बोला और वो बिना रेस्ट किए यहाँ पर आई और उनकी एनर्जी आप लोगों ने सामने सामने देखी है। मैं चाहूँगा कि हमारी प्रयागराज की सोनाली चक्रवर्ती की टीम के लिए आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं और मैं उम्मीद करूँगा, ख्वाहिश करूँगा कि आने वाले सालों में भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड महापरिषद का ये जो उत्तराखंड महोत्सव है तरक्की करे, कामयाबी के जो है हर सीढ़ियाँ चढ़ता जाए और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जितना भी योगदान इसमें संभव तरीके से कर पाएगा ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय का जिन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की और खासकर हमारे इस बैकड्रॉप की, इसे तैयार किया हमारे संयोजक हेम सिंह बिष्ट जी ने और हमारे अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी की ये परिकल्पना है और इस आधार पर ये 3D बैकड्रॉप इस पर तैयार किया गया है जिसमें पूरे हिमालय की संस्कृति को, वहाँ के पर्यटन को, वहाँ के रहन सहन को और देव स्थानों को सम्मिलित कर एक अनुपम झांकी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है उत्तराखंड की। तो पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं सचिव श्री हरत सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए गणमान्य जनों का आभार व्यक्त करेंगे, हमारे यशस्वी सचिव श्री भरत सिंह बिष्ट।